तो दोस्तों टीम इंडिया के तीन सुपरस्टार खिलाड़ी विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, यहाँ दोस्तों यह तीनों के लिए बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ दोस्तों क्या है वह खबर, तो दोस्तों बता दें कि वह खबर है रैंकिंग को लेकर। यहाँ दोस्तों बता दें कि T20 की रैंकिंग को लेकर इन तीन खिलाड़ियों के लिए बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य कुमार यादव को। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सूर्य कुमार यादव T20 के रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं। यहाँ दोस्तों वह मोहम्मद रिजवान को पीछे किए हैं, वो जो कि अब नंबर 2 पर है मोहम्मद रिजवान। तो दोस्तों पॉइंट्स की बात करें तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव का पॉइंट्स हो चला है T20 में 863। यहाँ दोस्तों अब यह नंबर 1 खिलाड़ी है T20 का। इसके अलावा बता दें कि नंबर 2 पर जो कि मोहम्मद रिजवान है, इसके अलावा किंग कोहली के लेकर भी बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जहाँ दोस्तों बता दें कि T20 के रैंकिंग में बल्लेबाजी में किंग कोहली जो कि अब पहुंच चुके हैं टॉप 10 में। जहाँ दोस्तों बता दें कि 10वें नंबर पर पहुंच चुके हैं विराट कोहली, अब उनका जो कि पॉइंट्स है 638। यहाँ दोस्तों बता दें कि अब 10 नंबर पे है, लेकिन कुछ महीने पहले वह एशिया कप से पहले 35वें रैंकिंग पर थे। अब इतना 1-2 महीने के अंदर इतना जल्दी टॉप 10 में वापसी करना अविश्वसनीय है। वहीं दोस्तों बता दें कि हार्दिक पांड्या के लिए बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर के रैंकिंग में T20 में नंबर 3 स्थान पाया गए। जहाँ दोस्तों बता दें कि नंबर 1 पर है साकिब अल हसन, वहीं नंबर 2 पर है मोहम्मद नबी और नंबर 3 पर है हार्दिक पांड्या। तो यह तीन बड़े खिलाड़ियों को लेकर भारतीय टीम के बेहद ही अच्छी खबर निकल के आ रही है T20 वर्ल्ड कप में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, यह तीनों खिलाड़ी का अब कैसा रहने वाला प्रदर्शन वर्ल्ड कप में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।